हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये बात हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि आजकल हेल्थ इश्यूज पहले के कंपैरेटिवली बहुत बढ़ गए हैं। वो डिजीजेज जो पहले बहुत कम ही लोगों में होती थी, वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम एक्सेट्रा। एंड इसका रीजन है हमारी चेंज्ड लाइफस्टाइल। एक तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी कम हो गई है, ऊपर से हमारी हैबिट्स भी ऐसे डेवलप हो गई है जो नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जैसे कि रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, उठकर पूरे दिन रोबोट की तरह टीवी मोबाइल पर लगे रहना एक्सेट्रा। हमारी आज की हैबिट्स, हमारा आज का रूटीन ही बताता है हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर हम आज अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा भी कॉन्शियस हैं, तभी हम खुद को फ्यूचर में हेल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहले के लोग फिट रहने के लिए जिम नहीं जाते थे, बट उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी, वो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे एंड अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेते थे। हालांकि मोस्ट ऑफ द लोगों को उन हेल्दी बातों के पीछे की साइंस नहीं पता होती थी, एंड इसीलिए हमारी नई जनरेशन उन्हें सुपरस्टिशंस एंड अंधविश्वास कहकर अवॉइड करती रही एंड भूल गई। बट वो कोई इलॉजिकल रीति रिवाज नहीं थे दोस्तों, बल्कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और बहुत गहरी रिसर्च का रिजल्ट था, जो आज की मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी टक्कर देने का पोटेंशियल रखती है। एंड ताकि ये नॉलेज उन तक ही लिमिटेड ना रह जाए और उनकी आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके, इसीलिए उन्होंने ये प्राइसलेस नॉलेज हमें गिफ्ट की आयुर्वेदा के रूप में। आयुर्वेदा नाम तो बहुत सुना होगा आपने, बट अब जरा इसका मतलब भी जान ले। आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष यानी लाइफ एंड वेदा मींस नॉलेज। सो आयुर्वेदा मींस नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा में ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन भी हमारी हेल्थ में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आयुर्वेदा के अनुसार हमारा दिनचर्या यानी डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे मॉर्निंग रूटीन से। जैसा कि दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से, एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें सूर्य उदय यानी सनराइज से 2 घंटे पहले उठना होता है। इसका मतलब कि हमें रोज सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, एंड इस टाइप को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिन का प्योरेस्ट टाइम होता है। बट अगर आप बहुत लेट उठ रहे हैं तो आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब सूरज उठता है तो पूरी दुनिया उठती है, एंड इंसान को भी फिर उठना ही होगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको जल्दी उठने में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे अगर आप इसे अपनी हैबिट बना ले तो इट विल बी योर बेस्ट हैबिट यू कैन एवर हैव। एंड अब उठते ही सबसे पहले बॉडी में पॉजिटिविटी लाने के लिए सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन या सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर की मूवमेंट्स को साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए। इससे आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों ही अवेयर हो जाएंगे। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज पानी पीना। रात भर सोने के दौरान हमारी बॉडी में काफी टॉक्सिक इकट्ठा हो जाता है, सो हमें रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि वो सारा टॉक्सिक हमारी बॉडी से क्लीन हो जाए। एंड उसके जस्ट बाद हमें अपना बॉडी वेस्ट रिमूव करना चाहिए। After that, our next step is to clean the senses. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 senses होती हैं: ear for hearing, eye for seeing, nose for smelling, tongue for taste and skin to feel. और आयुर्वेदा में इन्हें बहुत crucial बताया गया है, क्योंकि इन्हीं senses के through हमारे outer world की सारी information हमारी body में जाती है। Usually लोग अपने 5th sense that is skin पे तो बहुत ध्यान देते हैं, but दोस्तों हमारी बाकी की 4 senses भी उतनी ही important है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक सुरंग या टनल के थ्रू कहीं जा रहे हैं, तो अगर वो सुरंग में बहुत मिट्टी या बहुत गंदगी है, तो जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, तब तक आप भी पूरे मिट्टी में भर जाएंगे और गंदे हो जाएंगे। सो इसी तरह अगर आप अपनी सेंसेस को क्लीन नहीं करेंगे तो वो गंदगी से भर जाएंगी और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अपने सेंसेस को हमें मंथली या वीकली नहीं बल्कि डेली साफ करना चाहिए। आयुर्वेदा में ऑयल को किसी दवा से कम नहीं कहा गया है। उनमें से सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल एंड मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को सबसे अच्छा माना जाता है, एंड आप उन्हें किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे खाने के लिए हो या फिर बॉडी मसाज के लिए। एंड यही हमारा मॉर्निंग रूटीन का नेक्स्ट स्टेप बन जाता है, दैट इज ऑयल मसाज। डेली ऑयल मसाज करने से ना सिर्फ हमारी स्किन हेल्दी एंड स्मूथ रहती है, बल्कि ऑयल हमारी स्किन में पेनिट्रेट करके बॉडी में जो ऑयली डर्ट या टॉक्सिक को भी रिमूव करता है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है एंड नर्व्स भी रिलैक्स होती हैं। तो वैसे तो आपको डेली ऑयल मसाज करनी चाहिए, बट अगर टाइम की प्रॉब्लम की वजह से आप डेली ना कर पाए तो एटलीस्ट वीक में 1 बार तो जरूर करें। एंड ऑयल मसाज के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे बॉडी का टॉक्सिक स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। तो सुबह सुबह आप थोड़ा भी टाइम निकाल कर हल्की एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉक, प्राणायाम, स्ट्रेचेस, योग वगैरह जरूर करें, एंड नेचर में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सुबह की हवा बहुत ज्यादा फ्रेश होती है। और अब ऑयल मसाज एंड एक्सरसाइज के बाद टाइम आता है नहाने का, जो ऑलरेडी हमारे मॉर्निंग रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
एंड जैसा कि हम जानते हैं कि नहाने से हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है एंड हम अपने दिन की शुरुआत के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए कि ना कभी ज्यादा ठंडे पानी से नहाएं एंड ना ज्यादा कभी गर्म पानी से। एंड नहाने के बाद दोस्तों आप जो भी करना पसंद करें जैसे कि प्रेयर मेडिटेशन वो जरूर करें। अब सुबह से आपने इतना काम किया है तो ऑब्वियसली आपको भूख भी लग ही गई होगी, तो अब आती है हमारे ब्रेकफास्ट की बारी जो हमारा लास्ट मॉर्निंग रिचुअल भी है। तो ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो आपका ब्रेकफास्ट भारी एंड फुल न्यूट्रिशियस होना चाहिए। एंड ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने पूरी रात से कुछ खाया नहीं होता है, इसीलिए कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। एंड आप ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का ही होता है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें ये सब काम कंप्लीट करने के बाद ही आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम सब लोगों से पॉजिटिवली मिल सके एंड सोसाइटी पर भी अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डाले। एंड अब अपनी वीडियो को और लंबा ना करते हुए अभी हम मॉर्निंग रूटीन तक ही अपनी वीडियो को लिमिट करते हैं। हम आगे की दिनचर्या आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मॉर्निंग रूटीन ही शायद सबसे कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज पार्ट है, बाकी सब रूटीन तो इसके कम्पेरेटिवली बहुत इजी हैं। बट टाइम के साथ साथ आप इसे भी इंजॉय करने लगेंगे। एंड कहा भी गया है, इफ यू कॉन्कर योर फर्स्ट आवर यू कॉन्कर योर होल डे। सो दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है बुक से, हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट कर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड आपका इस आयुर्वेदा रूटीन के बारे में क्या ओपिनियन है। एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।